ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की आस में लखनऊ पहुंच रहे हैं। लोगों का ये जरूर कहना है कि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोगों को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, और क्योंकि बीच में लिक्विड खत्म हो गया था लिहाजा जो है कुछ दिन के लिए जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो नहीं मिल पाई। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से कल जो है थाना चिनट क्षेत्र में केटी जो ऑक्सीजन प्लांट था वहां पे एक बड़ा हादसा हुआ कि 3 लोगों को जो है गैस फटने से, सिलेंडर फटने के चलते जो है जान गंवानी पड़ी। तकरीबन 8 लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं, जिसके बाद अब नई व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है कि जो लाइन यहाँ गेट से लगाई जाती थी अब उसको लोगों को पीछे कर दिया गया है। यानी अपनी अपनी बारी से जो अपने अपने नंबर आने के बाद जो है लोगों को यहाँ पे जो एंट्री दी जा रही है, और इस व्यवस्था का जो जिम्मा है वो पुलिस कर्मियों को सौंपा गया है। आप देख सकते हैं कि गेट पे जो है पुलिस कर्मी तैनात हैं, वो सीधे तौर पे एक एक करके लोगों को एंट्री दी जा रही है, और वजह यही है कि लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहली प्राथमिकता है। और जिस तरह से हादसा हुआ है उसका संज्ञान लेते हुए जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर ये व्यवस्था जो लागू कर दी गई है ताकि लोगों को जो है सुरक्षित रखा जा सके, और यदि कोई भी किसी तरह की घटना या कोई हादसा होता है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन दुगेश सातनम, कुंभारा समाचार, लखनऊ। तो कोरोना लगातार अपनी पैठ बना रहा, ग्रामीण अंचलों में भी अब दस्तक हो चुकी है। चुनौती ये है कि शहरों में जब ऑक्सीजन बेड की कमी है, शमशान घाटों पर लाशों की कतार है, तो गांव के हाल कौन पूछेगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ हैं, बरेली से अजय और देवरिया से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा सेंटर है, बड़ी तादाद में यहाँ पर संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन देवरिया की जो तस्वीर है आप लगातार पहुंचा रहे हैं और हर दिन लगभग वही हाल है, और कभी फर्श पर इलाज हो रहा, कभी बेड नहीं मिल रहा, कोई ऑटो में बैठे बैठे दम तोड़ रहा, एम्बुलेंस वाले पैसे वसूल रहे, और ग्रामीण अंचलों में भी अब यहां पर वायरस पहुंच चुका है। इन हालातों में मुकाबला होगा? जी देखिए सलेन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया की स्थिति अब बस से बदतर हो चुकी है, इलाज के अभाव में मरीज मर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में किस तरह से मरीज हैं, फर्श पर लेटे हुए हैं, बेड के अभाव में फर्श पर उनका इलाज हो रहा है, उनको किसी तरह का वहाँ सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और जो सरकारी दावे हैं, जो यहाँ के अधिकारियों के दावे हैं, उनका ये साफ कहना है कि सारी सुविधाएं हमारी सही हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मरीज तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। लेकिन देखिए किस तरह से जो एम्बुलेंस चालक है यहाँ पे, एम्बुलेंस वाले ये कहा जाए तो आपदा को अवसर में बदल दिए हैं। जहां 1000 से 1500 रुपये में गोरखपुर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालकों को लगता था, वहीं पे आज मरीजों से 8 से 10 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला देवरिया है इस समय त्राहिमाम कर रहा है, और अस्पतालों में देखिए किस तरह मरीज फर्श के नीचे लेटे हुए हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन तो दिया जा रहा है लेकिन एक एक आदमी को एक एक मुंह में देखा जाए किस तरह से नलियां लगाई गई हैं और लोग जो है नीचे फर्श पर लेटे हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अब ये शहर से गांव की तरफ ये कोरोना अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये जो भी मरीज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा सांस फूलने वाले मरीज आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन देखिए इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि देवरिया जिला जो है गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, जो मुख्यमंत्री के बगल का जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी इस पर ध्यान नहीं है और किस तरह से लोग जो है यहाँ पे मर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देवरिया की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर बदहाली का आलम क्या है। जब कोरोना वायरस गांव तक अपनी पैठ बना रहा तो जरूरत यहाँ पर सिस्टम को दुरुस्त करने की थी, लेकिन समस्याओं का अंबार है। बरेली से अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, बरेली में वायरस का ताजा हल क्या है? ग्रामीण अंचलों में भी जिस तरह से खबरें आ रही वो डराने वाली हैं, चुनौतियां बढ़ाने वाली हैं। देखिए सलेंद्र, बताया जाऊंगा बरेली में जो है कोरोना के जो हालात हैं वो बेकाबू हो चले हैं। देहात की तरफ आम कई सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, लेकिन बरेली की अगर बात की जाए तो जब देहात में जब लोग जाते हैं उनको बुखार होता है, सांस फूलती है, तो उनका सिर्फ यह है कि वो जो झोला छाप डॉक्टर है उनके पास जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं, ना तो सरकारी महकमा इनके पास जाता है ना किसी तरह का टेस्ट होता है। तो मैं बात करूंगा बरेली के नवाबगंज की बात करूं, मैं देहात में आंवला की बात करूं, मैं बहेड़ी की बात करूं या कोई और तहसील की बात करूं, तो वहां पर जो है मौतों का अंबार लगा हुआ है। सरकारी महकमा वहां पहुंच नहीं पा रहा, ना तो टेस्ट हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। बस ये है कि वहां पे जो निजी झोला छाप डॉक्टर है वो अपना इलाज करवा रहे हैं मरीज वहां से। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बताऊंगा कि बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में जो है बेकाबू हो चले हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि बरेली में 9 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 1 मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। हर जगह चाहे वो शमशान घाट ले लो या
कब्रिस्तान ले लो, चिताओं को अंबार लगा, कब्रों का अंबार लगा, लेकिन सरकारी महकमे की अगर बात की जाए तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल अजय, यही हालात हैं कि जो सच्चाई है उसे स्वीकार नहीं कर रहा, सिस्टम दुरुस्त नहीं कर रहा, जिसके कारण ये परेशानी बनी हुई है। अनूप हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं लगातार। अनूप, राजधानी लखनऊ में इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हालात ये हैं जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि लंबी कतार है, लंबा इंतजार है, बेड खाली हैं, पोर्टल पे बताया जा रहा लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, ऐसे में राजधानी में महामारी से कैसे मुकाबला होगा? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल ये अपने आप में जो है चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो पोर्टल पर जो आंकड़े भेजे गए हैं तमाम कोविड हॉस्पिटलों द्वारा, उन्होंने खुद जो है आंकड़े भेजे हैं कि उनके यहाँ जो बेड हैं वो खाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बड़े जो हॉस्पिटल हैं सरकारी वो भी इसमें शामिल हैं, तो आखिर जो तीमारदार है, जिनके घरों में जो उनका मरीज है, जो परिचित है, वो गंभीर हालत में जो है आइसोलेट है, उसको ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है और ऑक्सीजन के अलावा उसको बेड की आवश्यकता है, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो वहां पे बताया जा रहा है कि उसके पास बेड नहीं है, जबकि जो आंकड़े हैं वो खुद बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में बेडों की संख्या जो है वो अभी भी तमाम हॉस्पिटलों में खाली है। तो आखिर उनको बेड जो है क्यों नहीं मुहैया कराया जाते, क्यों कोविड कमांड सेंटर उनको भेज दिया जाता है और तीमारदार जो है घंटों जो है परेशान होते हैं, उनका जो मरीज है वो घर में जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। तो ये जो खुलासा हुआ है इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि इस पे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे तमाम जो हॉस्पिटल है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब शहर से लेकर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो कोरोना है वो लगातार फैल चुका है, बड़ी संख्या में जो लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, लोग अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। यही वजह है कि कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है ऐसे 19 जिले हैं जिनके डीएम के साथ जो है सीधे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और निर्देश भी जारी कर दिया है कि उनसे पूछा गया है कि आखिर कोरोना को लेकर के उन्होंने क्या प्रबंधन किए हैं, इलाज की क्या व्यवस्था की गई है और कैसे जो है कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा जो प्रदेश के तमाम जनपद हैं वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी कोविड 19 के लिए बनाए गए हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उनसे भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्यमंत्री ने बिल्कुल जो है यहां पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार है, बेड खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रहे। एक एनआरआई की बेटी पूरी रात अपने पिता को एडमिट कराने के लिए भटकती है, मुंह मांगी कीमत चुकाती है लेकिन फिर भी जान नहीं बचा पाती। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र और गोंडा से राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश के आपका रुख करेंगे, सबसे पहले गोंडा की जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिला अस्पताल की जो आपने तस्वीरें दिखाई, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मुसीबत मरीजों के लिए है लेकिन सिस्टम जो अब दुरुस्त हो जाना चाहिए था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, खासतौर पर तब जब पंचायत चुनाव के बाद महामारी गांव की तरफ रुख कर चुकी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका कारण यह है कि हर दिन कम से कम पहले ये आंकड़ा जो मरने वालों का था वो 20 से 25 था, लेकिन अब ये 30 का आंकड़ा पार कर गया है, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो हमने अभी कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी उसमें यह था साफ तौर पर कि 350 से ऊपर लोग जिनकी मौतें हुई हैं और ये इमरजेंसी में मौतें हुई हैं। मेन बात यह है कि ये नॉन कोविड के मरीज थे जिनको नॉन कोविड के जिला अस्पताल में इनको भर्ती किया जाना था या इनका इलाज किया जाना था, लेकिन यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई। इसके अलावा जो कोविड में मौतें हो रही हैं वो तो अलग मौतें हैं, क्योंकि हर घंटे कोविड से किसी ना किसी की जान जा रही है, हर घंटे एक आदमी की जान जा रही है कोविड से। इसके अलावा नॉन कोविड में जो मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा जस्ट इसके डबल है, यानी हर एक घंटे में दो लोगों की मौत हो रही है। तो देखा जाए तो प्रशासन की ओर से दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले कहा गया था डीएम की ओर से कि चारों तहसीलों में ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अभी केवल ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है केवल दो ही जगहों से है और दोनों प्लांट अगर चलते हैं तो केवल 40 सिलेंडर बनता है। इसके अलावा 7 सिलेंडर कहां से आता है ये किसी को नहीं पता है और उन्हीं 40 से ही आपूर्ति की जा रही। तो ऐसी स्थिति में खुद समझा जा सकता है कि आधे से कम उपलब्धता जब ऑक्सीजन की रहेगी तो मरीज तो मरेंगे ही मरेंगे। इसके अलावा शहरों में जैसे लॉकडाउन जो लगाया गया, उस लॉकडाउन में जो आंशिक तौर पर लॉकडाउन है लेकिन आवागमन वाहनों का वो लगातार जारी है, लोग जा रहे हैं, सड़कों पर भारी भीड़ है, ये भी कोई देखने वाला नहीं है। चूंकि अफसरों की जिस तरह मौत हो रही है, ऑफिशियल जिस तरह मर रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अफसरों में भी दहशत है, उन्होंने सड़क पर निकलना छोड़ दिया है, लोगों को समझाना छोड़ दिया है, नेता पूरी तरीके से होम क्वारंटाइन हो गए हैं। लगातार डीएम की ओर से नेताओं को भी पत्र लिखा गया कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताइए, प्रोटोकॉल पालन करें उसके बारे में बताइए और इसके अलावा अपनी निधि से कुछ पैसा दीजिए जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन के प्लांट है उनकी स्थापना की जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस तरह की कोई पहल अभी तक किसी की ओर से नहीं देखने को मिली है। कैसरगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये जरूर कहा है
कि वो सातों विधानसभाओं में अपनी ओर से ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर कवायद जो होनी चाहिए वो जमीन पर दिख नहीं रही, जिसके वजह से कोरोना की कहानी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बन गई है। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, मेडिकल कॉलेज की जो तस्वीर है वो हैरान कर देने वाली है। जिस तरह से सुभारती में इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई, मेडिकल कॉलेज में बदइंतजामी की तस्वीर सामने आई, वो बता रही कि पश्चिमी यूपी का बड़ा सेंटर होने के बावजूद भी संक्रमण काल में सिस्टम का सच क्या है? देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं वो बेहद अच्छे नहीं हैं और स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर अब जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है उसी ने ही यहाँ के डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कारण ये है कि पिछले कई दिनों में यहाँ पर 6 से 8 लोगों की मौत हुई है। ये वो लोग थे जो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के ही परिजन थे, और ये बताया है यहाँ पर परिजनों ने कि जो यहाँ पर तैनात डॉक्टर्स हैं और उनके जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुनील राठी, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो डोज दी जानी चाहिए मरीजों को वो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इस्तेमाल में भी बड़ी लापरवाही की जा रही है, और इसीलिए लगातार उनके जो घर वाले थे वो मर गए। और कल यहाँ पर ज़बरदस्त आक्रोश था उन लोगों के बीच में, और पुलिस तक बुलानी पड़ी, इस तरह का आक्रोश था। उसके बाद आज स्थिति यह है कि चारों तरफ से जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी को जाता है, ये मुख्य द्वार है, लेकिन पिछले कई दिनों से इसको बंद कर दिया गया है। पीछे जो बैकडोर है वहाँ से अब मरीजों की एंट्री हो रही है। बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं वो जब यहाँ पर देखते हैं कि एंट्री नहीं है तो फिर वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं। यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है कि जो मरीज यहाँ आते हैं उनको किधर से जाना चाहिए। दूसरी तरफ कोविड वार्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लापरवाहियाँ बहुत सारी हैं। बहुत सारे वीडियो वहाँ के बाहर आए हैं और किस तरीके से लोग वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें दुनिया ने देखी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है तो यहाँ DM साहब आते हैं और यहाँ इमरजेंसी में जो रास्ता जा रहा है इसी इमरजेंसी में उन्होंने निरीक्षण किया और ये पाया कि यहाँ ऑल इज़ वेल है। तो जो ज़मीनी हालात हैं वो बदल दिए जाते हैं जब यहाँ कोई अधिकारी आता है तब, और उसके बाद में वही सारी स्थिति है। दलील ये दी जाती है कि जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बेडों का इंतजाम नहीं है, उनको ज़मीन पर डालना पड़ा है। लेकिन बात यह है कि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, और मरीजों के लिए जो बेड हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हकीकत में सैलेंद्र, अगर मैं अभी बात करूँ मेरठ के CMO से, तो वो कहीं भी एक ऑक्सीजन बेड नहीं दिलवा पाएंगे, इस तरीके के हालात हैं। तो जमीनी हालात कुछ है, कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है। इसीलिए यही कहानी है कि जमीनी हालात कुछ और है, जंग जो लड़नी है कोरोना की उसमें यहाँ पर लगातार बदइंतजामी भारी पड़ रही है। आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की कहानी जो जमीन